लोगों ने कहा कि आप अपनी फैमिली की चीज़ें शेयर करें कि कौन बहन शादीशुदा है और किसकी शादी कैसे हुई और आप लोग कितने बहन भाई हैं, तो मैंने सोचा चलें आपको अपनी बहनों की शादी की वीडियोस भी दिखाती हूँ और किस तरह शादी हुई, कैसे हुई। तो ये मेरी बहन का निकाह हो रहा है यहाँ माशाल्लाह से, एंड ये मेरी सेकंड सिस्टर है, ये उसकी तस्वीर है इमाम जामिन की, और ये हम सब हैं, हमने ये क्या कहते हैं लुक लिया था। और उसके बाद ढोलकियों का सिलसिला आपको पता है जैसे कि हर घर में शुरू हो जाता है, तो हमारे घर में भी शुरू हो गया था। ये एक बहुत ही हसीन मोमेंट था जिसे मैं आज भी सोचती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। वैसे काफ़ी अर्सा नहीं हुआ है, कोई सदियों पुरानी शादी नहीं है, 2 साल पुरानी ये शादी की वीडियोज़ हैं जो कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। इसलिए देर से दिखा रही हूँ क्योंकि उस पर मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मैं सोचा कि आपको ये सब दिखाना बनता है। और फिर ये माइयों की वीडियो है जो कि हम सब ने एक जैसी ड्रेसिंग करी थी इसमें। सबने एक जैसी ड्रेसिंग करी थी, ये शांजे है, ये मैं और मेरी सिस्टर हैं, हम सब ने एक ही कलर के कपड़े पहने हुए थे, ये मेरी मम्मा, मेरा भाई, हम सब माशाल्लाह बहुत खुश थे। और यार माइयों और मेहंदी ऐसे त्यौहार होते हैं ना कि इसमें एक जैसे ड्रेसिंग करने का ही दिल करता है, और हमने हर शादी बड़े यूनिक तरीके से की थी। ये रही मेरी सिस्टर और ये सब हमारे मेहमान। आई विश कि मैं उस वक्त ब्लॉगिंग करती होती। एंड ये हमारी मेहंदी है, मेहंदी में हमने अफगानी थीम ली थी और माशाल्लाह यार हमने इतनी प्रिपरेशन की थी, मतलब हमने कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी थी कि हम लोग अफगानी ना लगें। ये मेरी सिस्टर है और इसे ख़ास हम लोगों ने जाके अफगानी कपड़े लिए थे। यहाँ दुबई में पेवलियन लगते हैं और दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, तो उधर से जाके हमने ख़ास इसकी शॉपिंग करी थी। ड्रेसेस हमने वहाँ से नहीं लिए थे, ड्रेसेस हमने ख़ास ऑर्डर पे मंगवाए थे और इन्हें बनवाया था, और हर चीज़ हमने बिल्कुल अफगानी थीम के मुताबिक करी थी। चलो ना, आपकी ना मेरी, हम कितने, 3-4 जबकि 4,000 तो है, 7,000 कितने लोग, हम लोग तकरीबन 10 लड़की है, 60 हो गए ना, 6 लोग हैं ना, 80 तो मेहंदी और रस्म है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। आई डोंट नो आपके ये रस्म होती है कि नहीं, चुंगली वाली रस्म, मतलब चुंगली पकड़ के लड़के की और पैसे मांगे जाते हैं, तो सालियां करती हैं ये, तो मैं वही कर रही थी और मैंने इन्हें छोड़ा नहीं था, खूब सारे पैसे लिए थे, आज भी मुझे याद है। सारी वीडियोज़ की क्लिप तो मेरे पास है नहीं, तो मैं सोचा आप लोगों को तस्वीरों में दिखा दूँ। देखिए ये मेरी मॉम, ये हम चारों तीनों बहनें एंड मेरी फ्रेंड्स, मेरा भाई, यहाँ तक कि यार हमारे गेस्ट भी ना इसी गेटअप में आए थे। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके गेस्ट जो हैं वो आपके साथ आपकी थीम के मुताबिक कॉपरेट करें। तो जनाब ये है शादी की वीडियो एंड ये मेरी बहन की एंट्री, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हुई थी। इनफैक्ट ये जो डोली थी हमने रेंट आउट करवाई थी और ये बहुत ज़्यादा भारी थी, मतलब मेरे भाइयों का तो बुरा हाल हो गया था, जो उसे पकड़े हुए थे ना, मत पूछो उनका हाल क्या हुआ था, मगर द मोमेंट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कोई अप्सरा आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड ये वो मोमेंट था जो मैं कहती हूँ जब भी जिस लड़की पे आता है बहुत अजीब सा मोमेंट होता है, मतलब बस बता नहीं सकती, आप देखें खुद ही।
जैसे कि मैं बता रही थी, ये मोमेंट बहुत अजीब होता है. और आपने देखा ना, ये मेरी छोटी सिस्टर है जो मिल रही है ये, और जिसकी शादी है वो मिडल वाली सिस्टर है. इससे मिलने को तैयार ही नहीं हो रही थी, क्योंकि इसे पता था कि जैसे ये गले लगेगी और ये बिल्कुल अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल हो गया था छुड़वाना इन दोनों को. और वो जो पीछे है वो मेरा भाई है जो कुरान मजीद पकड़ के खड़ा हुआ है, उसने भी बहुत मुश्किल से कंट्रोल किए हुए थे अपने आंसू. ये देखें, ये वो अली झलकियाँ हैं. ये मैंने आपको तस्वीरों में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इनकी क्लिप्स मेरे पास हैं नहीं. और ये मेरी मम्मा और ये मेरी बहन. ये मेरी ज़िंदगी के बहुत हसीन मोमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे. आई होप कि आपको पसंद आए होंगे. ये मेरा वलीमे का लुक था, बाय द वे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.